आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला यूए सर्टिफिकेट। फिल्म के इन सीन्स पर सेंसर बोर्ड की चली कैंची। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले आउट हुआ था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद लोगों में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। मेकर्स ने अब फिल्म का पहला गाना रिलीज किया है। वहीं फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के मेकर्स और फैंस के लिए एक और खुशखबरी है। दरअसल सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दे दी है। फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने 4 सीन काटने के लिए कहा है। सेंसर बोर्ड ने कथित तौर पर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के 2 सीन और कुछ डायलॉग के वर्ड्स को बदलने के लिए कहा है। इनके अलावा सेंसर बोर्ड ने उस सीन में बदलाव करने के लिए कहा है जिसमें जवाहरलाल नेहरू का जिक्र है। सीन में जवाहरलाल नेहरू को गंगूबाई काठियावाड़ी के बालों में गुलाब लगाते हुए दिखाया गया है। आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में किस तरह अपने किरदार को निभाया है। आलिया भट्ट ने बताया उन्होंने एक डायलॉग कोच से कंसल्ट किया था और गंगूबाई काठियावाड़ी के समय के बारे में जानने के लिए कमाठीपुरा के कुछ सेक्स वर्कर से मुलाकात की थी। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी कमाठीपुरा की रानी के जीवन पर बेस्ड है, जिनका क्राइम की दुनिया से कनेक्शन था। फिल्म में अजय देवगन करीम लाला की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन के अलावा विजय राज, सीमा पाहवा और शांतनु माहेश्वरी जैसे कलाकार भी हैं। फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म पहले जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन आलिया भट्ट की दूसरी फिल्म RRR के क्लैश से बचने के लिए रिलीज डेट को टाल दिया गया था। हालांकि RRR की भी जनवरी की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई थी और अब ये फिल्म 25 मार्च को रिलीज होगी।